गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. जब आप मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो जो मार्केटर है उसे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. सबसे पहला है नॉलेज ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज. मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर जब मार्केटर कॉमन जो करेक्टरिस्टिक हैं उसके अकॉर्डिंग सेगमेंट्स प्रिपेयर करता है तो वो अच्छे से जो कस्टमर है उनकी स्टडी कर सकता है और उस सेगमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास अवेलेबल है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो उसे ज़्यादा अच्छे से मालूम हो सकती है. बजाय कि अगर वो पूरी मार्केट में फोकस करता है उसके बजाय अगर वो मार्केट सेगमेंट पे फोकस करेगा तो ज़्यादा अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको फाइंड आउट कर पाएगा. नेक्स्ट इज अडॉप्टिंग इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम. जब कस्टमर्स को आप फुली अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आप सेगमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को जो आपका मार्केटिंग मिक्स है प्रोडक्ट प्लेस प्राइस और प्रमोशन आप उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे. और अगर सेगमेंटेशन नहीं है तो एक सिंगल मार्केटिंग प्रोग्राम आप फ्रेम कर रहे हो तो वो कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए इफेक्टिव नहीं होता है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेगमेंटेशन की जो सेलर है वो क्रिएट कर पाता है डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम जो सूट करते हैं डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स को और वो बेटर एडजस्टमेंट कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग अपील्स में अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर करेक्टरिस्टिक्स. द नेक्स्ट इज प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सेगमेंट से जब आप प्रॉपरली सेगमेंट आपने बना लिए पूरी मार्केट का सेगमेंट आपने क्रिएट कर लिया तो आप अच्छे तरीके से कस्टमर्स को जानते हो और उनके करेक्टरिस्टिक्स को जानते हो तो जो भी आप अपने रिसोर्सेज को फोकस करोगे टूवर्ड्स फुलफिलिंग दी नीड्स ऑफ योर कस्टमर तो वो ज़्यादा अच्छे से आप उसे यूटिलाइज कर पाओगे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप अपने रिसोर्सेज का कर पाएंगे. द नेक्स्ट इज योर बेटर असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन. मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता है करेक्टली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है कॉम्पिटिटर्स की उसे असेस करने के लिए और ये असेसमेंट हेल्प करती है मार्केटर को कि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर सकता है डिफरेंट मार्केटर्स में अकॉर्डिंगली कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं कॉम्पिटिटर्स की. और इस तरीके से जो मार्केटर है वो स्ट्रांग अपनी पोजीशन बना सकता है किसी भी सेगमेंट में बिना अपने रिसोर्सेज को वेस्ट किए. नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ कस्टमर नीड. सेगमेंटेशन इम्प्रूव करता है कंपनी की अंडरस्टैंडिंग कि क्यों उसके कस्टमर्स जो हैं सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रेफर करते हैं बाय करना और कुछ को प्रेफर नहीं करते हैं बाय करना और ये अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है मार्केटर को कि वो अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर. तो जो भी सारी एक्टिविटीज हैं मार्केटिंग की मार्केटर उसे डायरेक्ट कर सकता है टूवर्ड्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स. देन नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स. अंडर मार्केट सेगमेंटेशन मार्केटर्स जो हैं वो ईजिली एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में मार्केट कम्युनिकेशन में अकॉर्डिंग टू टू दी चेंज इन टेस्ट नीड नेचर एंड इनकम ऑफ दी कंज्यूमर्स. जो मार्केटर है वो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद कंज्यूमर्स में जो चेंज आ रहे हैं जो उनके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं उसे वो अच्छे से स्टडी करके अपने प्रोडक्ट्स में अकॉर्डिंगली चेंजेस ला सकता है. देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग अपील. और अगर जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छे से समझ जो है वो मार्केटर ने लिया है तो जो भी उसके प्रमोशन मिक्स की चीज़ें हैं जैसे एडवर्टाइजिंग अपील भी वन ऑफ दी पार्ट है आपके प्रमोशन मिक्स का तो जो एडवर्टाइजिंग अपील है वो उसको भी अकॉर्डिंगली कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो बनाएगा. जो भी कंज्यूमर की हैबिट्स प्रेफरेंसेस नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो एडवर्टाइजिंग मीडिया सेलेक्ट करेगा अपील सेलेक्ट करेगा. देन नेक्स्ट इज योर एनहांसिंग मार्केटिंग एफिशिएंसी. मार्केट सेगमेंटेशन इन्हांस करता है मार्केटिंग एफिशिएंसी by offering specific pricing, sales promotion or distribution channel as per the different requirements of the segments. जो आपने segment select किया है अगर आपने segment select किया है high income group का तो आप उसी तरीके की जो promotion mix है आपका या distribution channel है आप use करेंगे. अगर आपने segment use किया है middle income group वाला तो उसी तरीके से आप अपने जो मार्केटिंग मिक्स में है चेंजेस करेंगे और उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी. एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप मिनिमम इनपुट में आप मैक्सिमम आउटपुट कमा पा रहे हैं तो वो चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे. देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम.
जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को इन इंक्रीजिंग हिज सेल्स. जब हर एक सेगमेंट की जो आपका मार्केटर है उसे पता है कि डिमांड पैटर्न क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है और अपना टोटल सेल वॉल्यूम वो कंपनी का इंक्रीज कर सकता है. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स. सेगमेंटेशन की वजह से जो आपका कॉम्पिटिशन है उस सेगमेंट के अंदर बिटवीन दी मार्केटर्स वो इंक्रीज हो जाता है और उसका अल्टीमेट बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड प्राइस और इन द फॉर्म ऑफ मोर एडेड क्वांटिटी, क्वालिटी और वेराइटी. इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से मिलते हैं मार्केटर को. मार्केटर को बेनिफिट मिलता है कि वो फोकस कर सकता है रेलेवेंट सेगमेंट को ज़्यादा क्लोजली और जो भी मार्केट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस है वो कर सकता है, इनोवेटिव वो प्रोडक्ट्स लेके आ सकता है. सेगमेंट अगर वो करता है मार्केटर का तो वो न्यू जो मार्केट्स है अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्रिएट कर सकता है. बाय सेगमेंटिंग द मार्केट जो वर्किंग है डिफरेंट इंटरमीडियरीज की या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की वो उसे इफेक्टिवली इवेलुएट कर सकता है. सेगमेंटेशन से वो कंट्रोल इफेक्टिवली कर सकता है अपने मार्केटिंग मिक्स का और ये हेल्प करता है उसे इन बेटर एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग बजट. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसमें थोड़ा खर्चा मार्केटर को नो डाउट आएगा, लेकिन वो हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स को और मार्केटर्स को कि वो मैच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को विद द रियल नीड्स ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप्स. तो जो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन करने में जितनी आपकी कॉस्ट आती है उसे कहीं गुना ज़्यादा आपको मार्केट सेगमेंटेशन करने से बेनिफिट मिलता है. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम सेगमेंटेशन के. पहले हम देखते हैं टेलीविजन अगर आपका प्रोडक्ट है तो वहाँ किस तरीके की जो सेगमेंटेशन जब आप करते हो वो आपको हेल्पफुल होता है. टेलीविजन मार्केट को आप सेगमेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्क्रीन, जैसे स्मॉल स्क्रीन टेलीविजन कमर्शियल कंसर्न्स के लिए या ऑफिसेज के लिए, मीडियम साइज स्क्रीन कॉमनली डिमांड जो कंज्यूमर करता है जो मिडल इनकम ग्रुप का हाउस होल्ड क्लास है, देन लार्ज स्क्रीन टेलीविजन एम्बिशियस जो हाई इनकम ग्रुप पर्सन है वो डिमांड कर सकते हैं. और टेलीविजन मार्केट को आप ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी भी आप सेगमेंट कर सकते हैं कि कलर टेलीविजन है या मल्टी फंक्शनल कलर टेलीविजन है या LCD टेलीविजन, LED टेलीविजन, OLED और डिफरेंट जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग. द नेक्स्ट इज योर ऑटोमोबाइल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोटर कार्स, ये सब जो पार्ट हैं ऑटोमोबाइल्स का फॉर्म करते हैं. तो ऑटोमोबाइल जो मार्केट है उसे आप सेगमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द बायर्स, जैसे एम्बिशियस क्लास डिमांड करती है लग्जरी कार्स, बिग बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं बिग साइज कार्स में, लेटेस्ट कलर्स में, एयर कंडीशनिंग. मिडिल इनकम ग्रुप इंटरेस्टेड होता है स्मॉल कार्स में, 800 cc या 1000 cc में. सेम तरीके से टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं मोपेड्स में. जो आपका मिडल इनकम ग्रुप है वो भी ऑप्ट कर सकता है स्कूटर्स को खरीदने के लिए. यंग जनरेशन भी इंटरेस्टेड होती है मोटरसाइकिल्स में. फीमेल बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं टू व्हीलर्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेगमेंट बना सकते हैं. देन नेक्स्ट इज योर वॉचेस. वॉच मार्केट को आप सेगमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द बायर, पर्पस ऑफ परचेज, साइज ऑफ वॉच, सेक्स के अकॉर्डिंग, स्टेटस ऑफ द यूजर एक्सेट्रा के अकॉर्डिंग. जैसे सिंपल सा सेगमेंटेशन है कि रिस्ट वॉच हो गया या अलार्म क्लॉक है या वॉल क्लॉक है, और दूसरा आप कर सकते हैं कि जेंट्स वॉच है या लेडीज वॉच है या चिल्ड्रन वॉचेज हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल आप कर सकते हैं चीप वॉचेज हैं, कॉस्टली वॉचेज हैं या एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉचेज जो आ जाती हैं विद गोल्ड चेन, ज्वेल्स एंड डायमंड्स एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट है आपका बैंकिंग सर्विसेज. जो प्राइम एक्टिविटी है बैंक की वो तो है कि डिपॉजिट करना मनी को और उसे वो आपको लेंड करते हैं वापस जो जर्नल पब्लिक है उसको. तो जो बैंक है वो इंटरेस्ट देता है उस मनी पे जो आपने डिपॉजिट कराया है और इंटरेस्ट चार्ज करता है जो उसने आपको एज अ लोन दिया है. तो बैंक डिपॉजिट डिफरेंट अकाउंट्स के हो सकते हैं, आपका करंट अकाउंट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, RD हो गया, FD हो गया, पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया. अब इनको आप कैसे सेगमेंट कर सकते हो? इनको आप सेगमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंगली कि जो कंज्यूमर है वो आपको कितने अमाउंट का जो है वो बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बेनिफिट्स, जैसे अगर हम कहें कि अगर क्रेडिट कार्ड किसी ने लेना है तो जो बैंक्स है वो भी उसमें डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम के पार्ट्स में उसे सेगमेंट कर देते हैं कि अगर प्लैटिनम है तो वो बिजनेस क्लास के जो पर्सन्स है वो प्लैटिनम
कार्ड के जो एडवांटेजेस होते हैं उसको प्रेफर करते हैं। तो उस तरीके से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको भी सेगमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट का मतलब तो हमें पता है कि वो गुड जो आप ऑफर कर रहे हो कंज्यूमर को। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? पोजिशनिंग का क्या मतलब है? पोजिशनिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को, जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में किस तरीके से पोजीशन कर रहा है। पोजीशन का मतलब क्या इमेज वो कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहता है, क्या बना रहा है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रस्टवर्दी कंज्यूमर के माइंड में होता है कि ये ट्रस्टवर्दी है, कुछ होता है कि ये हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, या कुछ होता है कि हाँ ये हमारी रेंज में है और अच्छा भी है, या कुछ जैसे आप सपोज आप हम बाथिंग सोप में अगर लें मेडिमिक्स है, मेडिमिक्स अगर सोप की मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले इमेज क्या आती है माइंड में कि नीम से बना होगा, तो जो नेचुरल चीज़ है वो है और वो स्किन के लिए अच्छा होगा। या अगर मेरे माइंड में आता है कि मैं लक्स, अगर मैंने ब्रांड का नाम बोला और लक्स बाथिंग सोप से मेरे माइंड में आता है कि नहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया या हाई क्लास पीपल उसको यूज़ करते होंगे, तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब है कि जो मार्केटर है आपका वो जो उसका प्रोडक्ट है उसे किस इमेज में कंज्यूमर के माइंड में प्लांट करता है। तो जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग है वो इफेक्टिव टेक्निक है फॉर क्रिएटिंग अ साउंड प्रोडक्ट इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। प्रोडक्ट पोजिशनिंग में आप प्रोडक्ट से डील नहीं कर रहे हो, आप डील कर रहे हो कस्टमर के माइंड से कि उसके माइंड में क्या जो इम्प्रेशन है प्रोडक्ट के लिए जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी है वो इस चीज़ से कंसर्न रखती है कि जब आप मार्केटिंग मिक्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो किस अप्रोप्रिएट मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपने क्या इमेज क्रिएट करनी है। कंपनी को पहले रिसर्च करनी है कॉम्पिटिटर की पोजीशन क्या है मार्केट में, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसकी जो खुद की प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है वो क्या होनी चाहिए। वो उसे पोजीशन भी कर, सबसे पहले तो पोजीशन ही करेगा, उसके बाद वो उसे रीपोजीशन भी कर सकता है कि उसे अगर अपनी इमेज बदलनी है तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो भी वो क्रिएट कर सकता है। तो जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो एक्चुअल में एक क्रिएटिव एक्सरसाइज है। फिलिप कोटलर, प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज इमेज एंड वैल्यू ऑफर सो दैट द सेगमेंट कस्टमर्स अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट व्हाट द कंपनी स्टैंड्स फॉर इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो इस डेफिनेशन से भी जैसे क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग जो है वो एक अटेम्प्ट है कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज इम्प्लांट कर रहे हो मार्केट में, और मार्केट में इम्प्लांट करने का मतलब है कि कंज्यूमर के माइंड में उसका क्या इम्प्रेशन जा रहा है, कि आपके प्रोडक्ट को वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के अगेंस्ट सुपीरियर मान रहे हैं या इक्वल मान रहे हैं या इन्फीरियर मान रहे हैं। क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जो भी पोजिशनिंग होगी वो डिसाइड करेगा कि जब कस्टमर एक्चुअल में बाय करने प्रोडक्ट जाता है तो वो आपका प्रोडक्ट डिमांड करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेप्स इन प्रोडक्ट पोजिशनिंग, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।